फिर आप एक बार रूट बता दीजिए कि इंडिया से कहाँ गए, फिर कहाँ, तो वो इंडिया से जरूरी हम है। अबू धाबी गए इंडिगो फ्लाइट से, और अबू धाबी से हमारा हॉल्ट था, और अबू धाबी से हमें विज एयर ली टुवर्ड्स तिराना अल्बेनिया। तिराना, तो अबू धाबी से तिराना देखो बहुत ही कम बंदे जाते हैं। मैं सबको, मैंने तुर्बशु करके एक ट्रैवलर उनको कॉल करा, आपको मैसेज करा, और मैंने 2-3, क्योंकि मेरे को बहुत ज्यादा एंग्जाइटी हो रही थी कि ये करने देंगे कि नहीं करने देंगे, थोड़ा सा इशू लग रहा था। बट बाय गॉड्स ग्रेस सबका सब कुछ हो गया, और उस टाइम पे आपका मैसेज आया तो इट वॉज रियली हेल्पफुल, मतलब मोटिवेट हेलो फ्रेंड्स, करने के वेलकम लिए। बैक टू द चैनल। मैं रोबिन दीवान आपका स्वागत करता हूँ। तो भाई इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, काफ़ी टाइम से डिमांडिंग थी कि मॉन्टेनेग्रो के बारे में, वीज़ा, इमिग्रेशन, कैसे ट्रैवल करना है, क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, कितना खर्चा था, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। बस वीडियो आप एंड तक देखना ताकि आपके जो भी डाउट हैं 110% यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। और अगर कोई भी इसके अलावा भी कोई डाउट रहता है तब भी, तो भाई इंस्टाग्राम यहाँ पे आता है मेरा, 2-3 बार आता है पूरी वीडियोस में। कई बंदे पूछते हैं कि कैसे कांटेक्ट करें, तो इंस्टा पे कांटेक्ट करो भाई, जैसे और बंदे भी करते हैं, और ऐसे आप जो भी कोई डाउट आपका वहाँ पे आप डिस्कस कर लेंगे। और भाई इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मॉन्टेनेग्रो के वीज़ा के बारे में और ट्रैवल के बारे में। तो लॉन्ग जी है मेरे साथ, वेलकम, हाउ आर यू, बस कैसे हो? बहुत बढ़िया, एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास। फाइनली आप कल ही पहुँचे हो वहाँ पे, है ना? तो मॉन्टेनेग्रो कल पहुंचा। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग था। और तो बताइए फिर कैसे आपने प्लान बनाया यार मॉन्टेनेग्रो जाना चाहिए, कैसे कैसे प्लान बनाया, कैसे मन बना? यार हमको आफ्टर कोविड कहीं ना कहीं निकलना था बाहर, हाँ, और ठीक है। यूरोप सोच रहे थे, इट वाज इन माइंड, वेरी बट गेटिंग अ शेंगेन वीजा वाज वेरी डिफिकल्ट इन डिफिकल्ट, वेरी यस। शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, तो दैट वाज द रीजन। तो मेरा फ्रेंड है तपेश, ही लॉन्ग टाइम, तो आई वी आर हाई स्कूल फ्रेंड्स, ओके 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 तो इसने निकाला मॉन्टेनेग्रो और अल्बेनिया, तो ओके, मैंने तो कभी कंट्री का नाम नहीं सुना था सुना नहीं था। ओके मॉन्टेनेग्रो फिर तो सबसे पहले से दूर हो गया। इवन तो मैंने काफी ट्रैवल करा है, बट फिर हाँ भी मेरे को हाँ मॉन्टेनेग्रो मैंने कभी नहीं नहीं सुना था। नहीं सुना था। तो फिर देखा कि साउथ ऑफ यूरोप में है, बहुत प्यारी कंट्री है, फिर बिल्कुल, समझ में आया कि फिर वीजा क्या 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 करना है, क्या क्या करना है। कैसे होगा, फिर शेंगेन तो बहुत डिफिकल्ट था। हाँ 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 एंड बिल्कुल बिल्कुल, तो फिर हमारे पास एक्चुअली यूएस वीजा है, तो वी हैव ट्रेवल्ड कपल ऑफ टाइम्स टू यूएस, इसने भी ट्रैवल करा, इसने शेंगेन भी कवर कर रखा है 2 बार, तो उससे थोड़ी सी हिम्मत बंदी। बिल्कुल बट द प्रॉब्लम वाज कि मॉन्टेनेग्रो की एम्बेसी है नहीं इंडिया में, है नहीं इंडिया में, और कॉन्सुलेट भी नहीं है, काउंसलेट भी कॉन्सुलेट नहीं है। कोई जवाब भी नहीं देता बिल्कुल है। बिल्कुल, सर्बियन एम्बेसी को आपको कांटेक्ट करना पड़ता है, हाँ, बिल्कुल, और बहुत ही कम इन्फॉर्मेशन है बहुत ही कम मॉन्टेनेग्रो इन्फॉर्मेशन के बारे में, है। बहुत ओके, ही कम इन्फॉर्मेशन। अल्बेनिया तो भी ठीक है, तो लोम जी आप अपनी वीडियोस के कांटेक्ट में कैसे आए, मतलब आपने सर्च करा होगा कि यार तब जाके, मैं यूट्यूब, मैंने पहले गूगल पे सर्च करा तो गूगल पे कुछ नहीं कुछ नहीं मिला, मिला। तो गूगल पे सर्च करा, गूगल पे कुछ नहीं मिला, फिर मैं यूट्यूब पे सर्च करने लग गया, तो यूट्यूब पे जब भी जैसे ही मैंने सर्च करा अल्बेनिया आ रही है, तो आपका वीडियो आया, मैंने कहा यार भाई तो बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रहा है, एंड दैट यू हैव अ वेरी सीरीज ऑफ वीडियोस यस फॉर यस यस एवरी कंट्री, तो एवरी कंट्री। मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगा वो, और बहुत क्वाइट हेल्पफुल, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, बहुत, मतलब अगर किसी को ट्रैवल करना है, जो कि अब इंडिया में होता जा रहा है, होता ट्रैवल का जा एक रहा है, क्रेज बनता जा रहा नहीं, पीपल आर यू नो वेरी इंटरेस्टेड इन ट्रैवलिंग नाउ। अब है। लोग यस सोलो नाउ ट्रैवल भी कर रहे हैं, कपल भी कर रहे हैं, बहुत सारे मतलब लोग ऐसे जुड़ रहे हैं। तो इन्फॉर्मेशन मिली आपको फुली काफ़ी हेल्प बहुत मिली, इन्फॉर्मेशन मिली, इन्फॉर्मेशन के अलावा मुझे कॉन्फिडेंस बहुत आया कॉन्फिडेंस भी आया। आपके इससे। ओके ओके ओके, तो मेरे पास, इवन तो मेरे पास यूएस वीजा था, तो हाँ भी हाँ सोचो कि हाँ ना बिल्कुल तो बिल्कुल, एंग्जाइटी थी हाँ कि हाँ होगा कैसे कि नहीं होगा होगा, कि नहीं होगा, बिकॉज वी हैव अ फियर ऑफ अनोन, यू नो, हाँ। बट यहाँ पे क्या है कि आपको तो जैसे लोग रियल टाइम एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, तो उससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि हाँ यार उससे इन्होंने करा बहुत है तो हम भी कॉन्फिडेंस कर बढ़ता सकते है। हैं, है ना? इवन तो आपको और मॉन्टीनेग्रो का कोई नहीं था, मैंने मॉन्टीनेग्रो सर्च करा था, बट हाँ, मेरे को सर्बिया मिला, सर्बिया अल्बेनिया में, मिला, हाँ। और उन और वीडियोस में कुछ नेपल्स। ऐसे बंदे भी थे जिन्होंने मॉन्टेनेग्रो ट्रैवल किया था, उन वीडियोस में ऐसे कई अच्छा बंदे हैं हाँ जिन्होंने ट्रैवल किया है, वो मैंने बताया है, बट हो सकता है कि आपके वो सामने ना आए वीडियो। मैं देखा नहीं होगा, हो सकता हाँ है, तो तो इट फिर, वाज जस्ट कनेक्टिंग द डॉट्स, मैं धीरे हाँ, धीरे कनेक्ट बिल्कुल करता बिल्कुल गया डॉट्स बिल्कुल को, बिल्कुल, यहाँ से यहाँ यहाँ यहाँ। से यहाँ। मैंने इवन हाई कमिश्नर ऑफ मॉन्टेनेग्रो को भी कांटेक्ट करा, तो उन्होंने मुझे एक बार रिप्लाई करा कि यूएस वीजा सेंड कर, उसके बाद कोई रिप्लाई नहीं रिप्लाई नहीं आया। करा ओके ओके, तो अपनी अब तो खैर बात बट हुई थी इंस्टा पे, योर थिंग गेव मी मोटिवेशन। हाँ अपनी तो बात हुई थी इंस्टा पे कि भाई अपनी तो कैसे बात हुई के, थी अपनी, काफी। हाँ तो हाँ फिर उसके बाद मैंने सोच लिया कि कर लो, चलो कोई ओके, दिक्कत कोई नहीं दिक्कत नहीं है। देखा मैंने बोला था कि आप भाई। जाओ यार, आपको कोई इशू नहीं है, आप जाओ, आपका काम हाँ हो जाएगा।
तो भाई ऐसे ही अगर आप लोगों का भी जो भी वीडियो देख रहा है कोई डाउट रहता है तो भाई इंस्टा पे फॉलो करो, मैसेज करो, कोई भी डाउट रहता तो डेफिनेटली आपको रिप्लाई मिल जाएगा फ्री होते ही। और मैं एक और बात बोलूंगा, आपने प्रॉम्प्ट रिप्लाई भी करा, हाँ जी, मतलब हाँ जी। लोग करते हैं बट है ना, एक प्रॉम्प्ट रिप्लाई भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मैं एक और जो कॉन्टेक्ट में था, मॉन्टीनेग्रो में कोई बंदा है, उसने मुझे भी मुझे अभी रिसेंट जैसे हम बस में ट्रैवल कर रहे थे क्रॉसिंग द बॉर्डर, तो मेरे को एंग्जाइटी हो रही थी कि होगा कि नहीं होगा, क्या होगा, वापस भेज तो नहीं देंगे। तो आई कॉन्टेक्ट, उसने मेरे को इनका जो गवर्नमेंट का जो लिंक है मैं आपको सेंड कर दूंगा, वो लिंक हम शेयर कर देंगे स्क्रीन पे, आप डिस्क्रिप्शन में देख लेना भाई, आपको मिल जाएगा। तो उसने मेरे को पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का लिंक भेज दिया कि इन बंदों को अलाउड होता है, अलाउड होता है, तो दैट वाज रियली हेल्पफुल। ठीक है, तो आबू धाबी से तिराना देखो बहुत ही कम बंदे जाते हैं, बहुत ही कम, बहुत कम, वेरी लिमिटेड। तो आपको कोई इशू आया वहाँ पे? लेकिन आपके पास जैसे यूएस वीजा था वो एक अलग चीज है, बट कोई इशू आया किसी तरीके का या फिर किसी और को कोई? नहीं, मैंने अबू धाबी के अंदर भी हमने तो वो ले लिया था ट्रांजिट वीजा भी, इवन तो हमारे पास यूएस वीजा था बट हमको इंडिया से ही नहीं जाने दे रहे थे वो। अगर इंडिया से उन्होंने एक बार हमको क्वेश्चन डाल दिया बिकॉज दे वर नॉट नोइंग द रूल्स एग्जैक्टली। हमने कहा हमारे पास यूएस वीजा है, हमारे पास सब कुछ है, तो उन्होंने कहा कि आपके पास अगर ना आप अबू धाबी से आगे जा रहे हो और वहाँ का वीजा नहीं है तो आपको अलाउ मुश्किल होता है। देन दे कॉन्टेक्टेड अबू धाबी पर्सन और फिर इशू शॉर्ट आउट हो गया, नॉट अ बिग डील। तो फिर अबू धाबी जब बोर्डिंग लेने गए तिराना के लिए तो वहाँ पे कुछ पूछा या ऐसे दे दिया? वहाँ पे कुछ पूछा नहीं बट वो क्वेश्चंस कर रहे थे लोगों से, एक दो इंडियंस थे उनसे क्वेश्चन कर रहे थे वो, और हमारी तो ट्रैवल हिस्ट्री बहुत अच्छी थी, मेरा फ्रेंड जो है वो तो शेंगेन गया हुआ है जी, 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 और काफी हम लोग घूमे हुए हैं, मैं भी यूएस गया हुआ, ये भी यूएस गया हुआ है, तो बट वो इंडियन से क्वेश्चन कर रहे थे और वो फिर क्वेश्चन करके इंट्रोगेशन भी कर रहे थे बट हमारे को नहीं पूछा, उसने हमको दे दिया। और फिर देखो आपके पास चलो यूएस वीजा था ठीक है, लेकिन आपने फिर एम्बेसी में कांटेक्ट किया कि नहीं किया क्योंकि आपके पास यूएस वीजा था भाई आगे वीजा के लिए? मॉन्टेनेग्रो वीजा करा, मेरे को रिप्लाई नहीं आया कुछ भी, मैंने सब कांटेक्ट कर लिया। बट मैं यहां पे बताना चाहता हूं भाई आप लोगों को, जो भी वीडियो देख रहा है, आपके अगर पास यूएस वीजा भी नहीं है या कोई शेंगेन वीजा भी नहीं तो भी जा सकते हो, तो भी आप अल्बानिया में एम्बेसी है मॉन्टेनेग्रो की वहां पे जाके आप फिजिकली अप्लाई कर सकते हो और वहां पे आपको वीजा मिल जाता है, तो आप ट्रैवल कर सकते हो और वो स्टिकर वीजा मिलता है तो आपको कोई इशू नहीं आता। अगर किसी के पास यूएस वीजा है तो उसको जरूरत ही नहीं है, वो ऐसे ही ट्रैवल करते हैं। नहीं मगर अगर मॉन्टीनेग्रो अगर आ रहे विदाउट यूएस वीजा तो उसकी फीस लगेगी, फिर फीस कितनी लगती है वो? 9,000 रुपए समथिंग है, 9,000 रुपए समथिंग, INR इंडियन रुपीस, INR इंडियन रुपीस 9,000 समथिंग। तो अच्छा, तो अल्बानिया अभी के टाइम में कैसा है? ब्यूटीफुल, बहुत बढ़िया कंट्री है। हमने तो तिराना से फिर एक कार ले ली थी और हमने पहली बार ना लेफ्ट हैंड ड्राइव करी और हम तो पूरी कंट्री थ्रोट थ्रोट करा हमने, अराउंड 800-900 किलोमीटर हमने ऑन कार एक्सप्लोर किया अच्छे से, एक ब्यूटीफुल कंट्री एक्सप्लोर करा पूरा। तो फिर अब मुझे ये बताया फाइनली कि जब आपने प्लान किया मॉन्टीनेग्रो चलते हैं तो कैसे गए, मतलब क्या कहाँ से, जैसे बस वगैरह जाती है तो आपने कैसे मतलब उसको प्लान किया कि भाई ऐसे चलना चाहिए और ऐसे फिर जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह? नहीं बस मॉन्टीनेग्रो में कोई एयरपोर्ट तो कुछ है नहीं, तो बस की कनेक्टिविटी है, ठीक है, बाय बस जाती है, दो बसें चलती है, धराती ट्रेवल्स है, इंटरनेट मॉन्टीन अल्बेनिया का तिराना इंटरनेशनल बस स्टॉप करके है, ऑटो स्टॉप बोलते हैं, वहां से बस मिल जाती है और अराउंड 30 यूरोस देती है वो कतौर के लिए, मॉन्टीनेग्रो के लिए। तो वहाँ बीच में बॉर्डर क्रॉस करना पड़ता है, तो हमने तिराना से बस पकड़ी, उसने हमको बॉर्डर पे रोका, बॉर्डर का और ये बसेस के चार्जेस वगैरह और टिकट वगैरह कैसे क्या प्रोसेस है? 30 यूरोस चार्जेस, ऑनलाइन मिल जाता है। अच्छा ऑनलाइन मिल जाता है, आप बुक कर सकते हो? ऑनलाइन भी कर सकते हो, आप वहां पे जाके भी कर सकते हो, नो इश्यूज। ओके, और ये बसेस मिलती कहां से है? ये तिराना से ही है? तिराना इंटरनेशनल बस स्टॉप वहीं से मिलती है डायरेक्ट, और फिर डायरेक्ट वहीं से मिलेगी। ओके, कोई इशू नहीं है उसका, कोई इशू नहीं। तो चेक पॉइंट है, तो इनका चेक पॉइंट है, इमिग्रेशन भी बोल सकते हैं उसको, वहां पे क्या था?
वहां पे बहुत एग्जाइटेड हूँ मैं सबको. मैंने तुर्वशु करके एक ट्रैवलर उनको कॉल करा, आपको मैसेज करा, और मैंने सोची क्योंकि मेरे को बहुत ज्यादा एग्जाइटी हो रही थी कि ये करने देंगे कि नहीं करने देंगे, थोड़ा सा इशू लग रहा था. बट बाय गॉड्स ग्रेस सबका सब कुछ हो गया, और उस टाइम पे आपका मैसेज आया तो इट वॉज रियली हेल्पफुल. सोच रहे थे, हमने कार खरीदने से पहले लेने से पहले भी डाउट आ गया कि शायद नहीं लेते. नहीं लेते, नहीं लेते. बट तो देखो जैसे जैसे आप लोग अभी एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हो, इसको काफी लोग देखेंगे भी, और तब जब अगर उनकी ट्रैवल हिस्ट्री आपसे मैच करती है तो डेफिनेटली दे विल बी ट्रैवलिंग. लेकिन उससे पहले अगर कोई गया ही नहीं है तो फिर उनको इन्फॉर्मेशन भी नहीं है, गूगल पे भी नहीं है, है ना? तो कैसे करेंगे? अगर जैसे आप लोग रियल टाइम एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हो तो इट विल बी हेल्पिंग लोड ऑफ पीपल हु विल बी ट्रैवलिंग. राइट, सो द मोटिव इज दिस, लाइक कि इन्फॉर्मेशन हमें ये लोगों तक पहुंचानी है किसी ना किसी तरीके से, और ये जब भी पहुंचेगी जब आप लोग ये वीडियोस ना शेयर करोगे लोगों को ग्रुप्स वगैरह, जैसे फेसबुक में ग्रुप्स होते हैं ट्रैवलिंग के, व्हाट्सएप पे ग्रुप्स भी होते हैं, तो वहाँ पे शेयर करो ताकि जो इन्फॉर्मेशन है वो स्प्रेड हो यार, लोगों तक पहुंचे. और भाई फ्री में जैसे कहीं जैसे एजेंट के चक्कर में पड़ के तो लोग बहुत सारे पैसे ना बर्बाद कर देते हैं, लेकिन काम भी नहीं होता. अरे यहाँ पे जो एक्चुअली चीजें ऑलमोस्ट फ्री में हो रही हैं, या फिर कुछ चार्जेस नॉर्मल ट्रैवल हो रहा है. हाँ जी, हाँ जी, तो वो एक एक बड़ी चीज है. आपके पास यूएस वीजा है तो आप बहुत सारे कंट्रीज ट्रैवल कर सकते हैं, मतलब एक वीजा से आप बहुत सारे पैसे सेव कर सकते. बिल्कुल, और ये जो मतलब जो बाल्कन कंट्रीज है ना, जो बाल्कन कंट्रीज बोलते हैं, जैसे मोंटीनेग्रो भी है, तो उसमें भी ऑलमोस्ट जो यूएस वीजा वाला बंदा वो ट्रैवल कर सकता है. बिल्कुल, हालांकि मैं मोंटीनेग्रो में नहीं गया हूँ, बट आई नो द इन्फॉर्मेशन लाइक हाउ टू गो. दिस इज द थिंग, या जैसे ये जैसे आप लोग उसे हम बात करते हैं तो उससे पता चल जाता है. बहुत सारे लोगों ने ट्रैवल किया, बट आप भेज बहुत लोगों को रहे हो. हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल. मैं कह नहीं हूँ, बट स्टिल पीपल आर ट्रैवलिंग थ्रू यू नो गेटिंग द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम मी. सीरियसली इट वाज, मैं रियली बोल रहा हूँ, मेरे को बहुत हेल्पफुल रहा था आपके कंफर्टिंग वर्ड्स से, मतलब एट टाइम्स इट हेल्प्स. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो यही था. अच्छा, इसके अलावा और कोई तो कोई इशू नहीं था ना वहाँ पे मोंटीनेग्रो में? कुछ भी नहीं, उसने पूछा फ्रॉम इंडिया. ओ मतलब ही वाज सरप्राइज कि इंडिया से भी लोग आ रहे हैं. बहुत कम लोग जाते हैं, बहुत कम लोग जाते हैं इसीलिए. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कंट्री, वेरी ब्यूटीफुल कंट्री. बहुत लोगों को पता नहीं है, मतलब मुझे समझ नहीं आता लोग शेंगेन कंट्रीज के पीछे भाग रहे हैं, पेरिस, स्पेन, इन सब के पीछे. बट ये ब्यूटीफुल कंट्री में आती है मोंटीनेग्रो, ब्यूटीफुल कंट्री में आती है. अच्छा अच्छा, आपके पास जैसे कोई बस की रिटर्न टिकट वगैरह या फिर कुछ और डॉक्यूमेंट उन्होंने मांगा या कुछ नहीं? कुछ भी नहीं मांगा उन्होंने, तो कुछ कितने दिन के लिए रहना है, कुछ कहां रुकोगे, कितने दिन के लिए जा रहा हो, कुछ भी नहीं. कोई बैंक स्टेटमेंट बाकी था आपके पास? बस जिस होटल बुकिंग वगैरह तो होती है हमारे पास, खाली एक दिन का स्टे था और इंश्योरेंस था और कुछ भी नहीं था. इंश्योरेंस तो देखो कॉमन है, टिकट थी पर तिराना से थी हमारी, तिराना से, तो वो भी उसने पूछ ही नहीं. तो मतलब आपका पासपोर्ट देखा और बस उन्होंने कर दिया, ठप्पा लगा दिया. जी स्टंप तो लगती है ना, ये और कंफर्म कर दो, क्योंकि अल्बानिया में लगती स्टंप तो लगती है ना? अल्बानिया में स्टंप नहीं लगी, यहाँ पे लगी थी. मोंटीनेग्रो में लगी, अल्बानिया में नहीं लगी, मोंटीनेग्रो की ही मैं पूछ रहा हूँ कि वहाँ पे लगी थी. बोला था अल्बानिया में हम लोग ठंड रहेगी, स्विम नहीं कर सकते, बट हमने तो हर जगह स्विम करा है. अच्छा, और बहुत घूमे. और जहाँ पे बस ड्रॉप करती है सिटी सेंटर है जो भी, वो कौन सी जगह और हॉस्टल वगैरह का क्या? मोंटीनेग्रो में. हाँ जी हाँ जी, मोंटीनेग्रो में बस वॉकिंग डिस्टेंस पे 5 मिनट में हॉस्टल आ जाता है. यहाँ पे ओल्ड सिटी, ओल्ड टाउन है, वहाँ पे हमारा हॉस्टल है, तो इट्स वेरी नियर, मतलब एक वॉकिंग डिस्टेंस है, कोई इशू नहीं, सब कोई वॉकिंग डिस्टेंस. ओके, जो बस जो तिराना से चलती है और सीधा आपको सिटी सेंटर में ही छोड़ती है. बिल्कुल, वहाँ से भी बिल्कुल सिटी सेंटर से पैदल पैदल चल सकते हो आप. ओके ओके, चलिए, और मेरे हिसाब से तो कोई डाउट रह नहीं गया है, राइट? आपने प्राइसिंग भी बता दी कि भाई कितने पैसे लगते हैं वहां जाने के लिए, तो इससे अलावा मेरे हिसाब से कोई. और हॉस्टल के क्या प्राइस चल रहे हैं अभी? दूर है, किराना से दूर है तो कटोर का 30 यूरोस लगा. अगर किसी को पहले उतरना है बुधवार या
क्रोएशिया उतरना है तो वो 25-20 यूरो में भी उतर जाएगा, वो भी हो जाता है। और वो अलग लोकेशन है उनका, अलग 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 हिसाब किताब है, कोई इशू नहीं है। और हॉस्टल वगैरह कितने प्राइस मिल रहे हैं अभी? हॉस्टल 15 यूरो लगभग है डॉर्म में। अच्छा अच्छा, पर पर्सन, पर पर्सन, जिसमें ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड नहीं है यहाँ पे। अच्छा, इंक्लूडेड नहीं है। अल्बेनिया में तो हर जगह ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड ही था। ओके ओके ओके, मतलब बहुत सस्ते में ट्रैवल कर सकते हैं। अल्बेनिया इज मच चीपर देन मॉन्टेनेग्रो, मॉन्टेनेग्रो इज कॉस्टली। हां, थोड़ा सा कॉस्टली है। क्रोएशिया से कंपेयर करेंगे तो मॉन्टेनेग्रो चीपर है। आपको क्रोएशिया की चीज मिल रही है, लैंडस्केप और सब कुछ मिल रहा है, डेब्रोनिक और इन सब का, और प्राइस कम है। व्हाई नॉट टू, व्हाई टू अननेसेसरी वेट फॉर यू नो, बिल्कुल शेंगेन वीजा। और चलिए यार, हम मिल जाए तो अच्छा। हम अल्बेनिया से यहाँ पर आए इसलिए हमें महंगा लग रहा है, और हम क्रोएशिया से यहाँ पे तो हमें सस्ता लग रहा है। सस्ता लग रहा है, ये भी सही है। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए तो थैंक यू सो मच यार, आपने अपना टाइम निकाल के एक्सपीरियंस शेयर किया, और ये काफी लोगों को हेल्प भी करेगा भाई। सबसे रिक्वेस्ट है इसको शेयर जरूर करना, ताकि और भी ट्रैवलर्स की हेल्प हो जो सोलो ट्रैवल करना है जिनको, या फिर एज ए कपल करना है, बजट में करना है, और कैसे करना है, क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। विद फैमिली भी कर सकते हो आप, हम लोग अभी नेक्स्ट टाइम हम फैमिली के साथ प्लान करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो इस बार हम लोग सोलो निकल गए, बट क्योंकि अपने इंडिया में बहुत सारे लोगों ना अभी शैनगन के पीछे भाग रहे हैं ना, ट्रैवल करना है भाई, तो मेरे हिसाब से सबसे बेटर ऑप्शन यही है अभी, सबसे बेटर ऑप्शन। यस यस, इफ यू वांट टू ट्रैवल। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच। तो भाई इस वीडियो को शेयर करना, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे। एक मिनट, अच्छा कल ही वीडियो आएगी, ठीक है, कल 9:30 IST, और आप लोग भी शेयर कर देना यार, ठीक है, ग्रुप्स वगैरह में। श्योर, 100%। ओके, टेक केयर।